कंपनी को अक्टूबर में मिलेंगे ये 200 करोड़ का फंड। कंपनी देगी 15% का स्टेक कलर चिप में। दोस्तों पिछले कई दिनों से काफी इन्वेस्टर्स असमंजस में थे कि कब होगा ये अप्रूवल। पैनिक में स्टॉक भी करेक्ट होने लगा था, लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ सबका। 85 का ये स्टॉक होगा 415 अगले 4 महीनों में। आपको ये बता दे कि कलर चिप न्यू मीडिया लिमिटेड से एक BSE लिस्टेड कंपनी है और इसका BSE कोड 540023 है। अगर आपकी खरीदारी ऊपर के लेवल्स पे है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। मल्टी बैगर ही है स्टॉक और अपने इन्वेस्टर्स को ये माला माल भी बना देगा। अगर कोई 2 साल होल्ड कर ले तो पता नहीं क्या भाव हो जाएगा। ये भारत में एकमात्र लिस्टेड कंपनी है जो OTT कंटेंट प्रोवाइडिंग के साथ सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। फर्स्ट लेग में ये स्टॉक 40 से 160 का सफर तय किया था और दूसरा लेग स्टार्ट हो गया है 85 से सीधा 320 तक का। जो लोग टेक्निकल का नॉलेज रखते हैं उन्हें ये सारी जानकारी होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है ये स्टॉक। बने रहे इस स्टॉक में, जो ना ले पाए अभी भी ले सकते हैं इस स्टॉक में लंबे टारगेट के लिए। जेम ग्लोबल यील्ड LLC कौन है? आपको बताना चाहेंगे कि जेम एक फंड हाउस है जो इमर्जिंग मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका इंडिया पे बड़ा ही फोकस है। ये एक USA बेस्ड कंपनी है और इनका कंपनी का ऑफिस न्यूयॉर्क, पेरिस एंड बहामास में भी लोकेटेड है। इनके रिसेंट कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी है काफी सारी कंपनियों में। काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स को फंड किया है इन्होंने। आप इनकी वेबसाइट से ये बाकी सारी डिटेल्स को ले सकते हैं। इन्हें यकीन है कि कलर शिप आने वाले समय में OTT और इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइडिंग में लीडर बनने वाली है। अभी नहीं पर 4 से 5 सालों में ये नेटफ्लिक्स को टक्कर देने जा रही है। आपको बता दें कि कलर चिप मीडिया सेक्टर को बिलोंग करने वाली इंडियन कंपनी है। ये एक OTT कंटेंट प्रोवाइडर है और एक सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस एंड प्रोडक्शन कंपनी भी है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल मीडिया में एक जबरदस्त ग्रोथ दिया है। जिस रफ्तार से डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है 2025 तक इंडिया का बिजनेस 125,000 करोड़ का हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कंटेंट व्यूइंग पे इंडिया नंबर 1 है। कलर चिप डिजिटल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम एक्सेट्रा पर अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्टली अपने खुद के चैनल पर और इनडायरेक्टली यानी कि TCD, सोनी, जी एक्सेट्रा के जरिए भी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स को कैटर करते हैं। इनका फोकस सिर्फ साउथ इंडियन कंटेंट प्रोवाइडिंग पे है क्योंकि वर्ल्ड में इसकी काफी डिमांड है। इनका सिर्फ एक चैनल टीवी नेक्स्ट तेलुगु के 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ डायरेक्ट चैनल जिन्हें ये कंटेंट देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सूत्रों से पता चला है कि टाटा सन्स भी इस कंपनी में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। दोस्तों जब जेम इस कंपनी में 700 रुपए के भाव पे पैसा डाल रहा है तो शेयर का भाव क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं। दोस्तों हमारा इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म टारगेट 415 का है। बने रहे इस स्टॉक में और ढेर सारा पैसा बना